इन्होंने 12 सेकंड में तारीख का रुख बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे राइट ब्रादरान की तारीख। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपका कोई बेटा है? अगर है तो आपको यकीन ये एहसास हुआ होगा कि आप का कोई खिलौना या किताब दिया हुआ इस बेटे का रुख बदल सकता है, इस बेटे की ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। 1878 ईस्वी में एक पादरी जो किसी मजहबी काम के लिए सफ़र कर रहा था, ने दो लड़कों के लिए एक मशीनी खिलौना खरीद लिया। जब ये घर आया तो लड़के इसको देखकर इसकी तरफ भागे। इसने अपने लड़कों से कहा, बेटो मैं तुम लोगों के लिए एक चीज़ लाया हूँ, लो इसे कैच करो। इसने एक चीज़ इनकी तरफ फेंक दी, लेकिन इसने लड़कों की सिम्मत की तरफ जाने की बजाय एक नाकाबले यकीन हरकत की। वो छत की सिम्मत उड़ने लगी और चंद मिनट बाद फड़फड़ाकर ज़मीन पर गिर गए। लड़के हैरत से फटी आंखों से इसे पकड़ने के लिए भागे। उड़ने वाला एक मशीनी खिलौना था जो तारबान और कागज़ का बना हुआ। उस खिलौने ने लड़कों की दिलों पर ऐसा असर डाला कि उनके दिल में उन्होंने ऐसी एक चीज़ बना डाली जो हमारे लिए बहुत मुफीद भी थी बल्कि है। लड़कों का नाम विल्बर राइट और ऑलवर राइट था। वो लड़के इस उड़न खिलौने से इतनी देर तक खेलते रहे जब तक ये टूट नहीं गया। क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा खिलौना खरीद सके, लिहाजा उन्होंने खुद ही इस किस्म का खिलौना बना लिया। उन्होंने पतंगे बनानी शुरू की जो इस कदर उमदा होती कि मोहल्ले के लड़के उन्हें देखते। इस वक्त से राइट ब्रादरान के दिल में उड़ने की ख्वाहिश करवटें लेने लगी। घंटों पुश्त के बल सीधे लेटे अपने पतंगों को उड़ते हुए देखते थे और चिड़ियों और कबूतरों को उड़ता देखते रहते कि किस तरह उकाब हवा की लहरों पर बगैर बाजू हिलाए उड़ते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह। इन्होंने ही जहाज़ पहला जहाज़ भी बनाया।